अस्सलाम वालेकुम। आप लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं, TikTok इस्तेमाल करते हैं, तो भाई एक इतनी बड़ी ऑफ़र आई है Amazon की तरफ से आप लोगों को पैसा कमाने की। इतना बड़ा चांस है आप लोगों के पास। आपके TikTok के ऊपर 100-200 फॉलोअर हो तभी काम चलेगा, आपके YouTube के ऊपर 100-200 सब्सक्राइबर हो तब भी काम चलेगा। इतनी बड़ी ऑफ़र दी है इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को और TikTok जो यूज़ करते हैं उनको Amazon ने, कि भाई जो भी इन्फ्लुएंसर होगा उसको पूरा वेब पेज बना के देंगे। ठीक है, सिर्फ क्लिक 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 करते जाना है। ठीक है, वो प्रोसेस में आप लोगों को सारा समझाऊंगा। ठीक है, वेब पेज बना के देंगे, प्रोडक्ट लिस्ट करके देंगे, एफिलिएट अकाउंट बना के देंगे, एफिलिएट लिंक्स लगा के देंगे, सारे प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन, ये वो ईच एंड एवरी थिंग वेब पेज समेत आपके नाम से amazon.com/shafiqjafri। आपको डोमेन बना के देंगे, आपकी शॉप रेडी करके देंगे। आप लोगों का काम है सिर्फ प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते जाना और अर्निंग करते जाना। लिस्ट एक एक क्लिक करने से आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान तरीका है। बहुत सारे लोगों के जहन में शायद ये बात आ रही हो कि भाईजान Amazon का OTP का मसला आ जाता है, पाकिस्तान का नंबर नहीं लगता वहाँ पर। आई नो, उसका भी हल मिल गया। ठीक है, एक तो इसके अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि Amazon ने खुद कहा है, लेकिन एक जगह पे जाके हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, उसका हल भी आज की वीडियो में आप लोगों को निकाल के दे दूंगा। ठीक है, आइए ज़रा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है, ध्यान से एक एक चीज़ को आप लोगों ने देखना है। यकीन करें बहुत ज़्यादा आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लें जी। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे। ठीक है, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है Amazon इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। ठीक है, ये आप लोगों ने इसको ओपन करना है और साइन अप विद इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों के सामने ये साइन अप का बटन आ रहा है जी। तो मेरे सामने ये देखें इस तरीके से आ रहा है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो वो कह रहा है जी कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसी के साथ साइन इन करना है इसको, लेकिन मैं उसी के साथ नहीं बल्कि क्रिएट अ न्यू अकाउंट। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रोसेस भी समझ आए, इस पर क्लिक करूँगा जी। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने अपना नाम देना है, अपना ईमेल देना है, पासवर्ड देना है, दोबारा पासवर्ड एंटर करना है और क्रिएट योर Amazon अकाउंट पे क्लिक कर देना है जी। तो आप लोगों के ईमेल के ऊपर OTP आ गया। ठीक है, ईमेल के ऊपर जाना है, आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस जो है अकाउंट वो ओपन करना है। ठीक है, तो ये देखें OTP वहाँ से हमने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, क्रिएट योर Amazon अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने क्लिक कर दिया। ठीक है, ईमेल के ऊपर OTP, इस तरह का एक डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे आप लोग बताएं कि आपके पास कौन सा अकाउंट है, YouTube का अकाउंट है, TikTok का अकाउंट है, इंस्टा का है, Facebook का। ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं जी कि YouTube को यहाँ पे लिंक करें। ठीक है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, एलिजिबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, TikTok के बारे में भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। Facebook पे करना है तो Facebook को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, Instagram को अटैच करना चाहें तो उसको भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे YouTube की। ठीक है, हम YouTube के ऊपर करेंगे तो साइन अप विद YouTube पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें सारे अपने ईमेल शो हो जाएंगे, हमारे जो चैनल के हैं, तो चैनल जिसके ऊपर बना हुआ है वो वाला ईमेल आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कहेगा जी के आप ट्रस्ट करते हैं, तो इसको सिंपली आप लोगों ने अलाउ कर देना है। जैसे आप लोग अलाउ करेंगे इस तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर प्रोग्राम, और इस तरीके से आप लोगों से वो थोड़ी सी डिटेल्स लेगा कि अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाएं और उसके बाद अपना कवर फोटो लगाएं। ठीक है, तो हम अपना प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं और अपना जो कवर फोटो है वो भी यहाँ पर लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लिक करूँगा और यहाँ से अपनी कोई भी इमेज ये वाली लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कवर फोटो पे क्लिक करूँगा और ये वाला कवर फोटो यहाँ पे लगा दूंगा। अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब वो हमें कह रहा है कि भाईजान अपना नाम दे। ठीक है, ये देखें हमारा कवर इसने बड़ा प्यारा सा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अपना नाम दे और उसके बाद यहाँ पर नीचे अपनी बायो दें, और उसके बाद नीचे यहाँ पर वो आप लोगों को कह रहे हैं कि भाईजान अपने इंस्टाग्राम का और TikTok का और उसके बाद Facebook का अकाउंट का लिंक दें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सारे ये लिंक निकालने सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम Instagram पे आते हैं, यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने प्रोफाइल के ऊपर और ऊपर से मैं अपना लिंक कर लूँगा कॉपी। ये आप लोगों को ऊपर लिंक नज़र आ रहा है, ये मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं वापस आऊँगा। ठीक है, ये इस जगह पर यहाँ पर आके मैं पेस्ट करूँगा, तो वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ हैंडल नेम। ठीक है, तो ये शफीक जाफरी मैं रहने दूंगा, बाकी पीछे से रिमूव कर दूंगा, आखिरी जो स्लैश है इसको भी रिमूव करूंगा। ओके हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे TikTok पे ये देखें जो आखिर पे हैंडल है ना ऐट द रेट के बाद, इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम वापस आए और यहाँ पे आके हमने पेस्ट किया, ऐट द रेट उसने पहले लगाया हुआ है, हमें ऐट द रेट शुरू से हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा दिया। ठीक है, यूट्यूब का लिंक उन्होंने ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। ओके हो गया, डन। अब हम नेक्स्ट करेंगे।
जहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपने कहाँ से सुना है हमारे बारे में, तो मैं सोशल मीडिया कर लेता हूँ, आप बेशक अनदर इन्फ्लुएंसर कर लीजिएगा या सोशल मीडिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि अपने कंट्री सेलेक्ट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, क्लिक करें, पाकिस्तान सेलेक्ट करें, पाकिस्तान अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे बिजनेस नेम, यहाँ पे मैं अपना पूरा नाम दे देता हूँ, ठीक है, बेशक शफीक जाफरी ऑफिशियल, ये लाजमी आप लोगों ने देना। यहाँ पे आपका जो लिंक बनाएगा ना अमेज़ॉन, उसके स्लैश के बाद आपका ये वाला नाम आएगा, ठीक है, तो इसलिए ये आप लोगों ने लाजमी से देना है, ओके। तो यहाँ पे मैं शफीक जाफरी ऑफिशियल दे देता हूँ, यहाँ पे कोई भी एड्रेस दे दें आप लोग, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आपसे OTP नहीं मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दे देना है, फ़ोन नंबर देने के बाद आप लोगों ने सिंपली करना है नेक्स्ट। तो हमने फ़ोन नंबर एंटर करके इसको नेक्स्ट किया। यहाँ पे अब थोड़ा सा एग्रीमेंट है, ठीक है, तो आपने ये पूरा एग्रीमेंट ऊपर नीचे करके इसको सारा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। वैसे तो इतना कोई रीड आउट करता नहीं है पाकिस्तान में तो स्पेशली। उसके बाद यहाँ पर रीड आउट करने के बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर साइड पर नीचे आएंगे, दो टिक्स हैं, ये आप लोगों ने चेक करनी है, चेक किया और उसके बाद सिंपली हमने डन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर देखें इसने मेरी शॉप का लिंक बना के दे दिया है, ठीक है, amazon.com/shop/shafiqjafriofficial। मज़ा आ गया, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों के बिल्कुल सामने, ठीक है। ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, हाउ टू ऐड ये वो वगैरह, लेकिन मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। गो टू योर स्टोर फ्रंट, भाई जान बाइक की शॉप रेडी हो गई, आप लोगों की आंखों के बिल्कुल सामने शॉप रेडी, ठीक हो गया। यहाँ पे देखे मेरा कवर फोटो लग गया है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है, और उसके बाद यहाँ पे देखे मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं। यहाँ पे ऊपर देखें तो क्रिएट कंटेंट के अंदर ये सारे आप चीज़ें देख सकते हैं, एडिट प्रोफाइल, रिपोर्टिंग वगैरह सारा कुछ। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्रिएट कंटेंट के अंदर आइडिया लिस्ट है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आप लोग करेंगे क्लिक, यहाँ पे अब हमने अपनी लिस्ट बनानी है और प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। कैसे करना है, कैटेगरी कैमरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, हम कैमरे के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी हम लिस्ट में इसका नाम दे देते हैं सोनी का, ठीक है। यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है, ब्राउज में आप लोगों ने जाना है, यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है कैमरा, ठीक है, या सोनी कर लें या कैमरा, कैमरा आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। मैं कैमरा सोनी सर्च कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल नीचे देख रहे हैं टैग प्रोडक्ट, क्लिक करो, नीचे आओ, बाकी प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर भी क्लिक करो, दूसरे के ऊपर भी क्लिक करो, ठीक है। ये करने के बाद डन करो, डन करने के बाद यहाँ पर नीचे चेक कर लें, हाँ सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, उसके बाद सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गेट लिंक, लेना है लें, नहीं लेना ना लें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको गेट लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आपकी ट्रैकिंग आईडी बता रहा है, स्टोर आईडी बता रहा है, ठीक है, इसको भी कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉपी लिंक पे क्लिक करें, और उसके बाद सिंपली आपको ऊपर एक डन का बटन नज़र आ रहा है राइट टॉप के ऊपर, ठीक है, लिंक कॉपी करें, ऊपर डन पे क्लिक करें, ठीक है। अब ज़रा हम वापस आते हैं अपने होम पेज पर, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसको ज़रा रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें जनाब, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट आ गया, उसके अंदर चार आइटम्स हमने टैग किए थे, चारों यहाँ पे आ गए, क्लियर हो गया। ये देखें, अब किसी के ऊपर भी कस्टमर क्लिक करेगा तो मज़े की बात यह है कि ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन ने हमारा एफिलिएट लिंक ज्वाइन करके इसके पीछे लगा दिया है ऑटोमेटिकली। देखें, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप एक समझें कि ऊपर डोमेन में देखें तो ये मेरे वो स्टोर आईडी जो कॉपी की थी अभी, shafiq.20, तो ये इससे ट्रैक हो रहा है कि भाई मेरे लिंक से आया हुआ है कस्टमर डायरेक्टली, ठीक है। तो मुझे कोई अमेज़ॉन एसोसिएट का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से हम एक काम करते हैं, एक और लिस्ट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाईजान प्रोडक्ट लिस्ट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अगली सारी कार्रवाई मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहता हूँ। आइडिया लिस्ट के अंदर दोबारा आएँ, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करना चाह रहा हूँ जी लैपटॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो लैपटॉप के ऊपर हम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर HP का, ठीक है, HP का करते हैं, उसके बाद ऐड प्रोडक्ट्स में जाते हैं, ब्राउज हिस्ट्री में जाते हैं, यहाँ पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है HP लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे HP लैपटॉप्स आ जाएंगे, जितने आ रहे हैं भाईजान सारे टैग करते जाएं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। टैग प्रोडक्ट और उसके बाद टैग प्रोडक्ट, ठीक है, ये सारे करते जाएँ, डन करें। डन करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करें, उसके बाद गेट लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद कॉपी पर क्लिक करें, ठीक है। ये देखें मेरी स्टोर आईडी, ठीक है, और डन पर क्लिक करें, ओके हो गया। अब वापस आएँ, यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करें, अभी तक एक ही है, थोड़ा सा वेट, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, इसको दोबारा से रिफ़्रेश करना है अभी तक नहीं आया, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र कर लें थोड़ा सा। हाँ जी, ये देखें हमारे लैपटॉप के भी चार आइटम आ गए, ठीक है। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोग किस तरीके से अपना आइटम जो है इसके अंदर लिस्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अमेज़ॉन के ऊपर आएँ आप लोग, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ HP लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये आप लोगों के सामने ऐड टू लिस्ट की ऑप्शन आ रही होगी, ये राइट साइड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सिंपली लैपटॉप में करें तो ये एडेड टू लैपटॉप, पहले चार प्रोडक्ट थे ना, अब यहाँ पे आए, रिफ्रेश करेंगे
ये देखें चार आइटम है ना, अब इसके अंदर पांच आइटम होने चाहिए, मैंने एक और आइटम भी ऐड कर दिया, पांच आइटम आ गए। ओके, इस तरीके से भी आप अपनी लिस्ट के अंदर एडिशन करते जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम कि हम लोगों ने इसके ऊपर करना क्या, बाकी पेमेंट मेथड भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे इसके अंदर अटैच करना है, और दूसरा प्रोसेस भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह हमने ओटीपी से आने वाले दिनों में भी दोबारा बचना है। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो आप लोगों ने अब क्या करना है, अब आप लोगों ने सिंपली ये करना है कि जो कैमरा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कैमरा है, ठीक है, मेरा मेरी लिस्ट के अंदर है, मैंने इसका नाम किया कॉपी। कॉपी करने के बाद सिंपली आप लोगों ने आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद इसी कैमरे को आप लोगों ने सर्च करना है, ठीक है, वही जो मैंने कैमरा लगाया था इसी को आप लोगों ने सर्च करना है। ये देखें ये निकलेगा। अब इसकी अनबॉक्सिंग वाली कोई वीडियो निकाल लें आप लोग, ठीक है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं ये नहीं मज़े की, तो मैं ये वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है, इसको मैं करूँगा डाउनलोड। ठीक है, सिंपली मैंने इसको डाउनलोड किया और ये डाउनलोड करके अपने पास रख ली, ठीक है। तो जितनी देर में ये डाउनलोड होती है आप लोगों ने आ जाना है सिंपली कैनवा के अंदर। कैनवा के अंदर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपना साइज़ पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि आप लोग ये वीडियो, पहले वीडियो को आप लोगों ने क्लिक करना है, ये इस तरीके से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ओपन होता है तो आप लोगों ने ये रीसाइज नज़र आ रहा है ऊपर, रीसाइज़ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। रीसाइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनकी हाइट वेड्थ दोनों को उल्टा कर देना है, इधर वाली को इधर, उधर वाली को इधर, ठीक है। ये देखें उल्टा कर दिया मैंने, कॉपी एंड रीसाइज पे क्लिक किया तो ये मुझे टिकटॉक के स्टाइल में दे देगी, ठीक है, मज़ा आ गया। चलें जी, ये हो गया। अब ये हमारे ऊपर वीडियो डाउनलोड हो चुकी थी, आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से उठाना है, उठा के ड्रैग करना है और यहाँ पे ये मतलब कि ड्रॉप टू अपलोड, यहाँ पे हम लोगों ने इसको डाल देना है जी। तो हमारी वीडियो जो है यहाँ पे आप लोग देखें कि अपलोड हो चुकी है, ये आप लोगों के सामने पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको सीधा ड्रैग करना है और इंटरफेस के ऊपर आके छोड़ देना है, ये इस तरह, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज़ शाइज अपने लिहाज से सेट कर लेना है आप लोगों ने, ठीक है। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि इसको थोड़ा सा ना लंबा ही करना है आप लोगों ने, ताकि ये टिकटॉक के साइज़ के बराबर आ जाए, ठीक है। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप लोगों ने ये टेक्स्ट पे आना है, ये हेडिंग उठा के यहाँ पर डालनी है आप लोगों ने, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है अमेज़ॉन टू बाय चेक बायो। तो ये इसको ज़रा हम थोड़ा सा सेट करके लगा देते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली शेयर के बटन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, वो राइट टॉप पे नज़र आ रहा है, ठीक है। डाउनलोड पे आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, सिंपल इज दैट, ठीक है, हो गया। अब आप लोगों ने आ जाना है जनाब tiktok.com के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आके मैं आप लोगों को एक अकाउंट दिखाता हूँ, उस अकाउंट को ज़रा आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला अकाउंट है, सॉरी ये वाला, इसको देखें 3 मिलियन फॉलोअर हैं इसके, ठीक है, 3 मिलियन, और सारे यही अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स की शॉर्ट्स डाली हुई है इसने यूट्यूब से ही वैसे कॉपी करके, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ पे देखें तो इसने अपना एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे ज़रा आप लोग क्लिक करें, अमेज़ॉन शॉप इसने ऊपर लिखा हुआ है, अमेज़ॉन शॉप, इसके ऊपर ज़रा आप लोग क्लिक करें। वैसे इसने ये दो नंबर की हुई है, लिंक ट्री बनाया हुआ है, इसका फ़ायदा नहीं होता, ये नहीं लगाना, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लिंक का समझाऊँगा, ठीक है। तो ये देखें, ये इसकी शॉप ओपन होगी भाई, वो उसी तरह की जैसी हमारी थी, वैसे सारे प्रोडक्ट लिस्ट हुए हुए हैं। तो आपकी सोच है कि ये यहाँ से कितनी अर्निंग कर रही है, ये इसका लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये इसने चबल लिंक लगाया है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को ये सारे लिंक शिंक लगाना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। और मैं कोशिश करता हूँ कि मोबाइल के ऊपर आप लोगों को सिखा दूँ, ठीक है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आप लोग ज़्यादातर टिकटॉक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है पेमेंट मैथड की, ठीक है। पेमेंट मैथड के ऊपर हम जाते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को टैक्स फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी टैक्स फॉर्म फिल करने में, पहले वीडियो देखनी है, पूरी देख लेनी है, क्योंकि मैं एक स्टेप बाद में आप लोगों को एक चीज करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। एक स्टेप पहले जो होगा उसको भी ध्यान से, बाद वाले को भी ध्यान से, आपको सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे ऊपर आप लोग देखें राइट टॉप के ऊपर आप लोगों को अर्निंग का नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये अर्निंग वाला, ये राइट टॉप पे, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को कहेगा कि भाई पहले अपना टैक्स फॉर्म फिल करो, ठीक है, टैक्स इन्फॉर्मेशन, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आप लोगों की ओटीपी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, इसलिए पहले मैं टैक्स इन्फॉर्मेशन कर लूँ, फिर मैं ओटीपी करूँगा, फिर पेमेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ मैं आऊँगा, ठीक है, आए ज़रा। तो पहले टैक्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप लोग आ जाएँ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल इंडिविजुअल हूँ, US के सिटीज़न है, नो, उसको नो कर देना है। आर यू एक्टिंग एज एन एजेंट, इसको भी आप लोगों ने सिंपली नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे ये कह रहा है जी कि अपना नाम फुल नेम दे देना है यहाँ पे आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री, कंट्री में सेलेक्ट करना है आप लोगों ने पाकिस्तान दे देना है, नो प्रॉब्लम,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों ने यहाँ पे अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है। इस जगह पे जो देते हैं ना वो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, जो यहाँ पे आपका नॉन यूएस 10 होता है, ठीक है, TIN। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप लोगों से एक बार वेरी यहाँ पे अगर रिलेटेड टू इनकम तो यहाँ पे ये कहना है कि पहले वाला सिलेक्ट करना है, ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म फ्रॉम आउटसाइड द यूएसए। यहाँ पे फिर आई सर्टिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना पूरा नाम दे देना है आप लोगों ने, कंप्लीट नेम जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, वो नाम देना है। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो ये आप लोगों को प्रीव्यू दिखा रहा है। सबमिट फॉर्म पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो भाई हमारा सबमिट हो गया, तो वैलिडेटेड हो गया हमारी जो होगी ज़बरदस्त होगी। अब एग्जिट इंटरव्यू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बारी आ जाती है पेमेंट इन्फॉर्मेशन की। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों से आपका पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप लोग एंटर करेंगे यहाँ पे। ये देखें, ये इस जगह पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये किस जगह पे आएगा, ये जो नीचे पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन आ रही है ना राइट साइड पर नीचे, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर ऑप्शन आ रही है चेंज पेमेंट मैथड, ये देखें ये वाला चेंज पेमेंट मैथड दूसरे नंबर पर। अब यहाँ पर ये हमसे मांग रहा है पासवर्ड, पासवर्ड मैं जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर अब ये मेरे से नंबर पर मांगेगा OTP, ठीक है। पासवर्ड एंटर किया, सॉरी दोबारा, अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है जी कि OTP। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा तो पाकिस्तान का कहेगा जी कि नंबर ही नहीं चलता, चेक करें। तो यहाँ पे ये देखें ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की कंट्री सपोर्टेड ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब वापस आना है आप लोगों ने वो उसी जगह पर जहाँ पर हमारा वेब पेज बना हुआ था, ठीक है, वहाँ पर वापस आना है ये इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ जहाँ हेलो शफीक लिखा हुआ है ये हेलो शफीक के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगी लॉगिन एंड सिक्योरिटी की, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को आ जाएगा टू स्टेप वेरीफिकेशन, ठीक है, आप लोगों ने इसको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कहेगा कि टू स्टेप वेरीफिकेशन कैसे करनी है, ठीक है। गेट स्टार्टेड के ऊपर सिंपली आप लोगों को ये बता रहा है जी कैसे कोड आएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर से करना है या अथेंटिकेटर ऐप से करना है। सिंपली आप लोगों के पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, जो भी है, आप लोगों ने अथेंटिकेटर गूगल अथेंटिकेटर प्ले स्टोर पर जाके इंस्टॉल कर लेनी है। वहाँ पे वो कहेगा ऐड डिवाइस या ऐड अकाउंट, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये बार कोड स्कैन करना है। जैसे आप लोग बार कोड स्कैन करेंगे आप लोगों को अथेंटिकेटर ऐप के ऊपर एक कोड मिल जाएगा। जैसे ही वहाँ पर आप लोगों को एक कोड मिलेगा वो कोड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। मैं अपना वो कोड एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वेरीफाई OTP एंड कंटिन्यू, भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट डन, ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ जी कि यस टर्न ऑन टू स्टेप वेरीफिकेशन, भाई जान मेरी टू स्टेप वेरीफिकेशन हो गई डन, ठीक है। अब मैं दोबारा वहाँ पे आऊँगा जहाँ पे मैंने अपना पेमेंट मेथड ऐड करना था, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा मैं अपने वही अर्निंग वाले जगह पे जहाँ पे अर्निंग थी, ठीक है, आप लोगों को पहले दिखाया था ये अर्निंग वाला पॉइंट, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो जनाबे वाला अब वहाँ पे हमें टैक्स इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है वो हम तो टैक्स वाला फॉर्म फिल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन हमने करनी है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे कहेगा जी कि चेंज पेमेंट मेथड, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब वो मेरे से भाईजान ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, तो भाई मैं पासवर्ड एंटर करूँगा आप लोगों के सामने, साइन इन पे क्लिक करूँगा, तो अब वो मुझे OTP जो है मेरी अथेंटिकेटर ऐप पे भेज रहा है। ओए होए होए मज़ा आ गया। तो मैं अपनी अथेंटिकेटर ऐप ओपन करता हूँ और मेरा जो कोड आया है OTP का वो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, ये अभी आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 73, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर किया और सिंपली मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं साइन इन पे क्लिक करूँगा, ओके, अभी आप लोगों के सामने होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हो जा भाई बेइज्जत ना कराई, यस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी कि भाईजान पेमेंट मेथड कौन से हैं, तो पहला पेमेंट मेथड आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना, बाकी भाई गिफ्ट कार्ड हैं और भाई चेक है उसको छोड़ें। यहाँ पर लोकेशन, लोकेशन आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है भाईजान यूनाइटेड स्टेट की, कहाँ की, यूनाइटेड स्टेट की लोकेशन आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार यूनाइटेड स्टेट की किया तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, सामने बैंक करेंसी भी आप लोगों की आ रही है US डॉलर आ रही है, अकाउंट टाइप समझ नहीं आ रहा कि ये बैंक नेम अकाउंट नंबर, ये सारी बातें आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होंगी, ठीक है, बिल्कुल न्यू होंगी कि यार इसका इसमें मैं क्या करूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने सिंपली आना है यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पर आके आप लोगों ने सर्च करना है पायनियर अकाउंट शफीक जाफरी, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख के अपना पायनियर का अकाउंट बना लेना,
पाइनियर का अकाउंट मतलब कि यूएसए के बैंक के अंदर आप लोगों का अकाउंट खुल जाएगा, वेरीफाई भी कर रहे हैं, शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजेंगे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सारा प्रोसेस समझाया हुआ इस वीडियो में। ये काम करने के बाद आपका जो मतलब कि पाइनियर की वो ये सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को ये डिटेल्स एंटर करने में मसला हो रहा हो, नो प्रॉब्लम, फिर आना है यूट्यूब पे। यहाँ पे आके आप लोगों ने सर्च करना है अमेज़न शफीक जाफरी, ठीक है। तो ये जो पहली वीडियो आप लोगों के सामने आएगी ना, ये वाली, ठीक है, इसके बिल्कुल एंड पे चले जाना है। एंड पे जाके मैंने आप लोगों को ये वाली जो जगह है ना, ये फिल करना समझाई हुई है कि किस तरीके पे, कहाँ पे आपने बैंक नेम देना है, कहाँ पे आप लोगों ने बैंक होल्डर नेम देना है, और सारी करेंसीज़ वगैरह कैसे सेट करनी है, अकाउंट नंबर कहाँ पे देना है पाइनियर का, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई है, मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये वीडियो जाके आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई हमने टिकटॉक के अंदर अपने उस जो हमारा वेब पेज था उसका लिंक हमने कैसे ऐड करना है। तो सिंपली आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर आ जाना है, मोबाइल के ऊपर आके मैं आप लोगों को टिकटॉक ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सिंपली ये एडिट प्रोफाइल की ऑप्शन नज़र आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है, एडिट प्रोफाइल की, इस पर क्लिक करना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए ये वेबसाइट जहाँ पे मेरा आगे चैनल का लिंक है, इसके ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, इसको आप लोगों ने क्रॉस करना है, और वो जो लिंक था आपका, ठीक है, याद है ना आपका वेब पेज का जो लिंक ऊपर बना था amazon.com/शफीक जाफरी ऑफिशियल, वो याद है ना आप लोगों को, वो आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है आप लोगों ने यहाँ पे, इसको आप लोगों ने उड़ाना है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बता रहा हूँ, उड़ा के यहीं पे मैं वो लिंक पेस्ट कर रहा हूँ amazon.com/शफीक जाफरी ऑफिशियल, और आप लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैं सेव पे नहीं कर रहा, मैं कैंसिल पे क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने चैनल का लिंक दिया हुआ। ये देखिए क्लिकेबल लिंक है, जो इस पर क्लिक करेगा, जैसे मैंने उस लड़की का करके दिखाया, जो इसके ऊपर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली उसकी शॉप पर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाईजान आप लोगों ने टिकटॉक के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है, यूट्यूब से उठानी है, उनको शॉर्ट्स बनाना है, और वही प्रोडक्ट आप लोगों ने लिस्ट कर देना है और बैठ के सुकून से कमाना है। तो भाई मेरा नहीं ख्याल कि इतने आसान तरीके से आज तक आप लोगों को किसी ने पूरा प्रोसेस समझाया हो, जिस तरह मैंने आप लोगों को ये पूरा एक किस्म का कोर्स समझ लें समराइज़ करके दे दिया। इसको मज़ीद अच्छा निखार भी आप लोग सकते हैं, जितना बताया है उतना भी करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।